इस पुलिस वाले की मजबूरी कहें या सिस्टम की गड़बड़ी, जब भी गोवा में कोई बहुत बड़ा दुर्घटना होता है ये अपना सामान लेके रोड पे चले आते हैं। अब जरा देखिए तस्वीर को। पिछले दिनों पता होगा आपको कि चिंबल सर्कल के पास एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसके बाद ये ट्रैफिक पुलिस स्पीड मीटर लेके चौराहे पे खड़े हो जाते हैं और उसे चेक करने लगते हैं। पुलिस वाला की ये हरकत देख के समझ में नहीं आता है कि किस तरह से ये दुर्घटना को कम कर रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर में देखिए, ये जो है ये हाईवे के साइड में लेके मशीन खड़ा हुआ है। अगर आप इसी रोड में अगर आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे उस चौराहे पे वहाँ पे एक भी पुलिस नहीं है। ये स्पीड मशीन यहाँ पे 2 से 3 दिन दिखेगा, उसके बाद ये मशीन कौन से कोने में चला जाएगा कभी पता भी नहीं चलेगा। अब तक ऐसा ही हुआ है और ये बार बार होता आ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ये आदत सी बन गई है और इसलिए बार बार ऐसा करते हैं। जब हम इस सर्कल के पास आए तो हमें एक भी पुलिस वाला यहाँ पे नहीं दिखा। आखिर आप ही बताइए कि क्यों नहीं दुर्घटना होगा यहाँ पे? जहाँ पे पुलिस की ज़रूरत होती है वहाँ पे पुलिस नहीं होती है, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे गोवा पुलिस खड़ी रहती है और लोगों को सिर्फ और सिर्फ फाइन देने में दिमाग लगाती है।